बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां मेरठ पुलिस ने किया है पीएफआई के 6 सदस्यों को गिरफ्तार। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 4 थाना पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में सदस्यों को पकड़ा है और सबूतों के अभाव में 5 को मजिस्ट्रेट ने दी जमानत। केवल पुलिस 1 को भिजवा पाई है जेल। 20 तारीख को मेरठ में हुई थी हिंसा। तो पीएफआई से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएफआई के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 थाना पुलिस ने इन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबूतों के अभाव में 5 को दी गई थी जमानत और वहीं 1 पीएफआई सदस्य जेल भी भेजा गया था। मेरठ में 20 दिसंबर को हिंसा हुई थी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोवर चौहान हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। मनोवर, आपसे जानने चाहेंगे कि पीएफआई के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि लिसवाड़ी के पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को अयूब, मेहताब और शुएब इनको पकड़ा है, जबकि इंजोली पुलिस ने कारी ओसामा और प्रतापपुर पुलिस ने कारी इरफान और सरूर पुलिस ने मुस्तफीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लेकिन सभी को स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है। यहाँ से कारी इरफान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बाकी शेष 5 जो हाथों हाथ उनको जमानत दे दी गई है। पुलिस यह साबित नहीं कर पाई है कि युवकों से किस तरह की शांति भंग होने का खतरा है या फिर 20 दिसंबर की हिंसा में इनकी क्या भूमिका है। फिलहाल फंडिंग की बात पर भी बात जब पुख्ता नहीं हो पा रही है, यही वजह है कि पुलिस ने महज 151 में कार्रवाई की है। आपको बता दूं, ये केवल मेरठ में नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 11 गुर्गे पकड़े गए हैं, जहां बिजनौर और हापुड़ भी शामिल है। लेकिन आप मुझे ये समझिए कि पुलिस ने जल्दबाजी में और जो 5 लोग पकड़े उनके उनके जो सबूत के अभाव में जमात मिली है, पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई है। हालांकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो पीएफआई है और एसडीपीआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको वहीं से फंडिंग हुई थी। फंडिंग के माध्यम से ही लोगों को भड़काने का काम किया गया, कोशिश की गई शहर को जलाने की कोशिश की गई। 20 दिसंबर को मेरठ शहर में काफी हंगामा हुआ, एनआरसी के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन वायलेंस से बदल गया। यानी कि पीएफआई पर आरोप लगे थे कि पीएफआई के कुछ गुर्गे उसमें घुसे जिनकी फंडिंग की गई थी, जिनको पैसा दिया गया था और उन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन अभी तक भी पुलिस जो है सबूत नहीं जुटा पाई है, जिसके अभाव में जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं सब छूट जाते हैं। पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं है। सबसे अहम कड़ी थी कि जो शहर के अंदर सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस ने ही जाकर सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा था, जो कि वीडियो भी वायरल हुए थे। ऐसे में पुलिस को अब पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ जो सबूत है उन्हें इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जबकि प्रेशर ऊपर से भी है। और पहले ईडी भी ये साफ कर चुकी है, मेरठ शहर के अंदर 8 खाते हैं पीएफआई के, जिनके 4 खातों में 3 करोड़ की फंडिंग का जो मामला सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक भी बैंक उन खातों की जानकारी पुलिस को नहीं दे पाया है और ऐसे में पुलिस पर अभी सबूत नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले समय में पुलिस सबूत इकट्ठा करे और उन पर दोबारा कार्रवाई करे, लेकिन फिलहाल पुलिस की लापरवाही के चलते 5 लोगों को जमानत मिली है।